तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कलुसिया के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पर संज्ञा 2 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहे। आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे मन में बहुत सारी प्रार्थना है। उस प्रार्थना के साथ धन्यवाद चढ़ाना हमारा मुख्य कार्य है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ने कितने महान कार्य किए हैं। हर रोज हम उठते हैं और कई कार्य करते हैं, लेकिन प्रभु हमें संभालते रहते हैं। प्रभु हमारे बीच में है, हमारे साथ है। अक्सर हम ये बात हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। इसलिए जब हम परेशानियों में और कई प्रकार के मुसीबतों में फंस जाते हैं, तब तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। हम ये विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ है। और पवित्र यूकरिस्त में प्रभु हमारे और करीब आते हैं। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु हमें इस पवित्र यूकरिस्त में बुला रहे हैं, क्योंकि पवित्र यूकरिस्त में ही हमें पूर्ण रूप से विश्राम पा सकते हैं। हमें उन शिष्यों के बारे में मालूम है जो एम्माउस जा रहे थे, जब प्रभु रोटी लेकर उनके सामने तोड़ी थी, तब शिष्यों की आंखें खुल गई और तब उन लोगों ने प्रभु को पहचान लिया, और उसके बाद ही उन्हें पवित्र ग्रंथ पूर्ण रूप से समझ आया। हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र यूकरिस्त में प्रभु हमारे सामने अपने शरीर और रक्त को बांट रहे हैं। और शायद हमें मालूम है, हर बृहस्पतिवार को हम पवित्र यूकरिस्त का दिन मानते हैं। तो आज हम इस पवित्र में सबलदान में भाग लेते हुए हम विशेष रूप से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपके पवित्र यूकरिस्त की ओर आकर्षित कीजिए। हमारे दुखों को, परेशानियों को उस वेदी पर चढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दे, और वहाँ हम पूर्ण विश्राम का अनुभव कर सके। आइए हम इस पवित्र में सबलदान में इस कृपा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए हमारे सभी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को हम प्रभु के समक्ष समर्पित करें, और धन्यवाद का मनोभाव लेकर हम इस मिसा में योग्यरीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से हम माफी मांगे जब हम पवित्र यूकरिस्त को इतना महत्व दे नहीं पाया और पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाया।
और पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने के लिए हम तत्पर नहीं रहे। सभी पापों को गलतियों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करते हुए प्रभु से एक दूसरों से और अपने आप से माफी मांगते हुए आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से और प्रभु का अनुभव पाने के लिए प्रार्थना करते हुए भाग लेने के लिए कोशिश कीजिए। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा पर तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्ट दया कर, हे क्रिस्ट दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के पास्का रहस्य द्वारा मानव जाति के उद्धार का कार्य पूरा किया है। हम आत्मविश्वास के साथ संस्कारों के तहत क्रिस्त के मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम तेरे मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते ही। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13-20। मेरा नाम सत है, जिसका नाम सत है उसी ने मुझे भेजा है। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इसराइलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वह मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इसराइलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इसराइलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेगी। अब जाकर इसराइल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दास्ता से निकालकर कनानियों हित्तियों अमोरियों परिज्जियों हिब्बियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। वे तुम्हारी बात मानेंगे और तुम इसराइल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया, हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक
मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूँगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों का संतप्त करूँगा। इनके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञा, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसने अपनी प्रजा की संख्या बढ़ाई और उसे उसके शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया और वह इसराइलियों से बैर करने तथा उनके साथ छल कपट करने लगे। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें बहुत आश्वासन देते हुए बता रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित है और हम कभी कभी इतने थक जाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए और कुछ अच्छा सोचने के लिए हमारे पास शक्ति भी नहीं होगी। लेकिन हमें पूर्ण शक्ति प्रदान करने वाला, हमें सांत्वना देने वाला उस प्रभु आज हम सबको बुला रहे हैं। हम आज के पहले पाठ निर्गमन ग्रंथ में सुना था कि इसराइली लोग मिस्र देश में कितना दुख तकलीफ झेल रहे हैं। वहां पर पिता ईश्वर मूसा के द्वारा उनको सांत्वना दे रहे हैं और कहते हैं, मैंने तुम लोगों की स्तुति ली है और मैं जानता हूं कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। प्रभु आज भी इस वचन हम सबके लिए बता रहे हैं, मैंने तुम लोगों की स्तुति ली है और मैं जानता हूं कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। प्रभु हमारे पास है और हर पल हर वक्त वो हमारे ख्याल रख रहे हैं और वे जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या बीत रहे हैं। लेकिन क्या हम उस प्रभु के पास जाकर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए कोशिश करते हैं? प्रभु कहते हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
और हमारे पास उस प्रभु के पास जाने के लिए जो हमें सच्चा विश्राम देने वाला है समय नहीं है। हम बहुत कुछ चीज के पीछे भाग रहे हैं और हमें पता नहीं कि हम किस दिशा में भाग रहे हैं। प्रभु हमें बुला रहे हैं, विशेष रूप से हर पवित्र मिसा बलिदान में वे हमको उनका शरीर और रक्त देकर बताते हैं, तुम्हें शांति मिले और तुम्हें नया जीवन प्राप्त हो। और पवित्र यूक्रेस में जितनी शांति और नया जीवन प्राप्त है वो हमें कहीं और नहीं मिलेंगे। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शांति नहीं है, घर पे वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, झगड़ा है, लड़ाई है, सब कुछ है। लेकिन क्या इन सबों के बीच में भी उस प्रभु के पास जाकर कुछ देर और विशेष रूप से पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए कोशिश करते हैं। संधि याकूब के पत्र अध्याय 4 पर संगे 7 में हम पढ़ते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे और अपने आप को ईश्वर के समक्ष समर्पित करें। सूती ग्रंथ अध्याय 23 पर संगे 26 में हम पढ़ते हैं, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, तुम्हारी आंखें मेरे आचरण पर टिकी रहे। हम प्रभु को देखते रहे, हम प्रभु को हमारे जीवन में अनुभव करते रहे और हम प्रभु को हमारे जीवन में स्वागत करें, तब हमारे जीवन में शांति का अनुभव होंगे और हम एक नया व्यक्ति बनकर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम अपने आप को हमेशा आपके चरणों में समर्पित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति दे। और प्रभु जब आप पवित्र मिसा बलिदान द्वारा आपके शरीर और रक्त को हम सबके लिए बांट रहे हैं, उसे ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा पैदा करें और हम उस शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए हर दिन हर पल एक नई आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए, सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विजय प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति दीजिए। सिलाई तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यारे सिलाई तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हम अपनी मुक्ति का स्मरणोत्सव मना रहे हैं, ऐसी कृपा करके तेरे प्रेम तथा दया का ये संस्कार हमारी एकता का चिन्ह और प्रेम का बंधन बन जाए। ये दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही ही यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा ये आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं, और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नव जैसे विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा के योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्य को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दें कि वह रोटी और दाकरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालों की रात को उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्ति तथा क्रूस की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की ये रोटी और आशीष का ये प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपने कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल, हम पास्का के मेमने क्रिस का बलिदान संपन्न करते हैं। ये वर्ते कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहे। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमें अपने आत्मा से अनुप्राणित कर और अपने पुत्र यीशु के अनुरूप बना दे। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उप याजकों और अपने सारी प्रजा के बीच एकता की भावना सुदृढ़ कर। सब क्रिस्त विश्वासियों को विश्वास की ज्योति प्रदान कर, ताकि हम समय की मांग को पहचान सके और सुसमाचार की सेवा में सदा समर्पित रहे। लोगों की आवश्यकताओं के प्रति हमारे हृदय द्वार खोल दे, ताकि हम उनके सुख दुख में सहभागी बने और विश्वास पूर्वक उन्हें मुक्ति का सुसमाचार सुनाते हुए उनके साथ तेरे राज्य की ओर अग्रसर होते रहे। हमारे उन भाई बहनों की सुथिले जो क्रिस की शांति में विश्राम कर रहे हैं, सब मृत विश्वासियों की भी सुदिले जिनका विश्वास केवल तू जानता है, पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि इस जीवन यात्रा के बाद हम तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सके। वहाँ हम ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों के साथ तेरे स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हमारे सभी निवेदनों को यूकरिस्टीय प्रभु के समक्ष समर्पित करें। उन सभी लोगों को भी हम याद करें जिन्होंने हमें अपनी प्रार्थनाएं यूट्यूब के द्वारा, अन्य सोशल मीडिया के द्वारा हमारे पास भेजा है, और हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए जो विश्राम प्रभु इस यूकरिस्टीय बलिदान द्वारा हमें प्रदान कर रहे हैं, उसे अनुभव करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम वही प्रार्थना दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप घर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी में हो, यदि कोई ये रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय भोज का यह सहभाग हमें पवित्र करे ताकि क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा सारा क्रिस्तीय परिवार एकता के सूत्र में बंध जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। Bye.
संग चलो प्रभु जी मेरे संग चलो प्रभु जी मेरे संग चलो प्रभु जी मेरे संग चलो प्रभु जी मेरे